हेलो गाइस, मेरा नाम है जाह्नवी शर्मा और मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था, आज थोड़ा टाइम मिल रहा है। आज संडे का दिन है और मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं अपने गांव में आई हुई हूँ। तो ये है नगामती गांव, नामरूप का एक छोटा सा जगह में ये गांव है, बसा हुआ है। तो बहुत सुंदर परिवेश है और आज मुझे टाइम मिला। आज संडे का भी दिन है और मौसम थोड़ा गर्मी है, पर यहाँ पे इतना गर्मी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पीछे एरिया है और मेरी माँ भी आई हुई है, आइए उनसे भी मिलाते हैं। ये देखिए मेरी माँ है और ये बरगद का पेड़ है, बहुत ऊंचा है, जहाँ पे हम लोग हमेशा यहाँ पे एक दिया जलाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना पेड़ है। तो ये हम लोग यहाँ पे पूजा भी करते हैं, ये आसामीज का ट्रेडिशनल में भी है। बहुत ऊंचा है और यहाँ पास में आपका बीटल नट्स का पेड़ भी है। ये आपका बीटल नट्स का पेड़ है। इसका जो एनवायरनमेंट है एक्चुअली बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू का पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एक ही देख लीजिए आप, ये बहुत बड़ा है और बहुत रस है, रसीली है बोल सकते हैं आप। और पीछे आपको दिखाएंगे गन्ने का भी पेड़ है, तो आइए देखते हैं, चलते हैं गन्ने का पेड़। तो ये देखिए गाइस, गन्ने का पेड़ है ये। एक्चुअली हमारे गांव में ये सब बहुत मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये गन्ना है। और पीछे आप देख सकते हैं ये केले का पेड़ है, ये गन्ने का ही है। लॉकडाउन की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे, इसलिए थोड़ा जंगल हो गया, ये देख सकते हैं आप। और ये है आपका, इसको हम लोग आसामीज में कसू बोलते हैं। ये हम लोग ट्रेडिशनल फूड भी डिशेज बना के कभी कभी खा सकते हैं, इसको बहुत टेस्टी होता है, ये आप देख सकते हैं। और वहाँ पे एक टेप है जहाँ से वाटर सप्लाई होता है, रूरल वाटर सप्लाई होता है। तो वहाँ से देख सकते हैं पानी आ रहा है। इसका भी एक टाइमिंग होता है, जैसे कि आपका मॉर्निंग को देंगे 2 घंटे के लिए 8 to 10 AM तक, तो अभी 4 बजा है, तो अभी 1 घंटा के लिए देंगे ऐसे रूरल। ये है रूरल पानी का सप्लाई, तो देख सकते हैं। ये एक्चुअली हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत सूखा पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा ये हम लोग, बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही है अभी, तो हम लोग थोड़ा मिट्टी को गीला करके पेड़ों को थोड़ा पानी दे रहे हैं। देख सकते हैं बहुत सूखा हो गया था। आज भी मौसम बहुत गर्मी है, धूप है। एक्चुअली गर्मी यहाँ पर गाँव में गर्मी इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सामने पेडी फील्ड्स है, हवा चलती रहती है। आइए आपको अच्छे से दिखाते हैं पेडी फील्ड्स। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पेडी फील्ड्स है,
अभी ऐसे भी खेती का मौसम है। तो ये प्लांटेशन हो गया है, देख सकते हैं दूर दूर तक। बहुत दूर तक है, दूर तक बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ तक खेती करते हैं।